हाँ एलिन, अब क्या बात करनी है? क्या तुमने उससे बात की अमरे? हाँ हमने ब्रेकअप कर लिया, अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ेगी, है ना? लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहता। एक मिनट, इधर आओ। क्या हुआ? हमने ऑफिस के लोगों के बारे में तो बात ही नहीं की, हम उन्हें क्या बताएंगे? I'm sorry, क्या? जैसे कि हम लवर्स हैं, लेकिन हमने ये बात उन्हें नहीं बताई है, हमने एक डिस्टेंस बनाए रखा है, तो अब हमें ऐसे ही चलने देना चाहिए ताकि लोग बातें ना बनाए और शांति बनी रहेगी, है ना? क्या कहते हो? मुझसे अब ये सब नहीं होगा, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। जॉन, सब लोग देख रहे हैं हमारी तरह। दो पसंद होगा, ये अच्छा नहीं है, बहुत ही प्रिमिटिव है। बिल्कुल बहुत प्रिमिटिव है, बहुत ही ज्यादा। ओके गाइस, जरा मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? मुझे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, तो जरा ध्यान से। जो आप लोगों ने बातें सुनी है वो गॉसिप नहीं है। मैं और सनम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई रियली लव सनम। बहुत अच्छे। ओके, रुको। अरे मक्खी घुस जाएगी। तो आप सबको सारा सच मालूम है, कुछ छुपाने लायक है ही नहीं। मुझे बस यही शेयर करना था। चलो काम पर लगो। मिस डेरेन। जे, आप ठीक तो है ना? मुझे बहुत दर्द हुआ। मिस डेरेन, कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ? एग्जैक्टली कहाँ? वो तो बताइए, कहाँ? मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है जे। इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या उन्होंने कहा कि वो दोनों लवर्स हैं? हाँ, उन्होंने शायद उस तरह से कहा हो। और इससे अलग क्या कहते वो? क्या वो आपको जो सुनना है वैसा बोलते? हाँ उन्होंने कहा। क्या सच में उन्होंने कहा? कहा उन्होंने? हाँ बिल्कुल कहा, बिल्कुल कहा। उन्होंने इससे पहले बिल्कुल इसके ऑपोजिट कहा था। हाँ लेकिन अभी उन्होंने कहा कि वो लवर्स है जे। ये बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। चलो मिस डेरेन, मैं कॉफी बनाता हूँ। चलिए मिस डेरेन, कॉफी पीते हैं, कॉफी पीते हैं। मिस डेरेन चलिए चलिए। देखा कितना आसान था सब कुछ। आपने तो सीधे सीधे कह दिया। आप ये सब कैसे कर पाते हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं of course, मैंने सीधा तरीका अपनाया। मैं कई दिनों से ये बात शेयर करना चाहता था। मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था, यू नो। जॉन डेविड को कुछ भी कहने से पहले डरने की क्या जरूरत? मैं किसी से नहीं डरता। देखो अभी सबके सामने कह रहा हूँ। चिल्लाना नहीं, आप तो एकदम क्रेजी है, एकदम पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। हाँ हूँ, तुमने मुझे क्रेजी कर दिया। मिस्टर जॉन, सुनो मिस्टर जॉन, चलो काम पे लगते हैं। आपको काम नहीं करना है क्या? चलो काम पे लगो। हाँ तुम सही कह रही हो, काम तो करना ही पड़ेगा। चलो जाओ अपनी डेस्क पर जाओ। हाँ सही है, मैं अपने डेस्क पर जाती। अच्छा एक बात सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, अगर तुम यहीं पर आ जाओगी तो बहुत अच्छा होगा। अगर हम तुम्हारे टैलेंट और क्रिएटिविटी को कंसिडर करें तो तुम्हारे टैलेंट की यहाँ बहुत जरूरत होगी। यू नो हमारा काम भी अच्छे से होगा और जल्दी भी हो जाएगा, और मैं तुम्हें देख भी पाऊंगा, यू नो। हाँ आप मेरा एडवांटेज ले सकते हैं, मेरा मतलब है मेरी क्रिएटिविटी और मेरे टैलेंट का फायदा उठा सकते हैं। आप जब भी बुलाएंगे मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगी। हाँ यही करते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं अपनी चीजों को वैसे अरेंज करती हूँ जैसा आप चाहते हैं मिस्टर जॉन। ठीक है तो मिस्टर जॉन, एज यू विश। वैसे इस अनाउंसमेंट के बाद एक किस्त तो बनती है। क्या हुआ? हाँ काम डाउन, किसी को पता नहीं चलेगा। जान ये टूट गया, जान ये टूट गया। I'm so sorry जान, मैं अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही थी और ये मुझसे गिर गया। कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, मुझे दो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। I'm sorry. क्या ये मूनस्टोन है? दो क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स कह गए थे कि ये मून लाइट को अब्सॉर्ब करता है। डार्क साइड जो होता है वो मून का सीक्रेट पार्ट होता है, और जो व्हाइट पार्ट होता है वो काफी लाइटेड होता है, पॉजिटिव होता है। हर इंसान में दोनों पार्ट होते हैं, जो उसका डार्क पार्ट होता है वो खुद के अंदर होता है, जो लाइट पार्ट होता है वो सबके सामने होता है। इसलिए तो वो कपल होते हैं। और जब से मैं घूम रहा हूँ मुझे लगता है कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, ये मेरा बिलीफ है। इसके साथ खेलने में भी काफी मजा आता है मुझे। वेरी नाइस। ये कई बार गिरे हैं पर कभी टूटे नहीं, लेकिन आज ये टूट गए। खैर, गिर गए तो गिर गए, टूट गए तो टूट गए। I'm so sorry, मुझे नहीं पता ये अनजाने में मुझसे कैसे हो गया। मैं तो टेबल अरेंज करने गई थी और ये गिर के टूट गया, ये बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती रहती है। इससे अच्छा मैं अपने डेस्क पर ही काम करूं। सनम, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, क्या नहीं। कर रही हो तुम? I'm so sorry. नहीं, नहीं, और मैं वाला ब्रेकअप क्यों करूंगी जे जे? जब से उसने सुना है उसका दिमाग खराब हो गया है, उसकी आंखें हम पर ही हैं, उसकी पूरी नजर हो सकती है। ये लो और जो करना है करो, अपने साथ रखो इसे, रखो रखो। ओह, मुझे इसकी सख्त जरूरत है, थैंक। कोई बात नहीं। पुलिस लैला आई नहीं क्या? उसने कहा कि वो बीमार है इसलिए आज नहीं आएगी। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, लेकिन उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उसको वायरल हो गया है, इसीलिए उसने। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। क्या? आप लैला के बारे में बात कर रहे थे ना, कुछ करना हो तो बताइए, मैं कर देती हूँ। नहीं थैंक यू, रहने दो, मैं देख लूंगा। लगता है किसी के पास करने के लिए कोई काम नहीं, सबके सब मुझे घूर रहे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जी जी, ये देखो, ईविल की आंखें सिर्फ तुम पर है। सही कहा, हमें नजर बट्टू को अपने साथ लेकर घूमना। सही है, ऐसा ही करना पड़ेगा हमें। मिस डेरेन, ये फाइनल डिजाइन है, मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है, पिंक चाहिए आपको? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पिंक चाहिए, मुझे हर चीज पिंक चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि मैं हर जगह पिंक चाहती हूँ। पर ये पिंक ही तो है। नो, नहीं है, जाओ चेंज करके लाओ। तो अब ये किस कलर का चाहिए? ब्लैक। लेकिन इसके लेटर्स तो ब्लैक नहीं है, देखिए ना, ब्लैक कलर के हैं। वो ब्लैक होना चाहिए, पूरी तरह से ब्लैक, मतलब डार्क ब्लैक कलर का होना चाहिए। फिर भी मुझसे बार बार पूछ रहे हो, जाओ यहाँ से और अपना काम करो तुम, जाओ। एक बेहतरीन क्रिएटर आज उदास विधवा की तरह बन गई है, देखो देखो। लेकिन जे जे, ये आसान नहीं है, उन्होंने सालों से कंपनी के लिए इतना कुछ किया है, वो मिस्टर जॉन के साथ रहे हैं। लेकिन ये तो प्यार है, इसमें ऐसा ही होता है, कईयों के दिल टूटते हैं। तुम हमेशा सनीम का ही सपोर्ट करते हो, हमेशा। जब देखो तब चपड़ 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 करती रहती हो, मुंह बंद करो और काम करो अपना। ठीक है, ओ मिस जेदारी है, गाइस खुद को जरा ठीक से करो, अपनी जगह पर जाओ, जाओ जाओ जाओ। आह, वेलकम 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 मिस जेदा, वेलकम मिस जेदा। थैंक यू मिस सनीम। सनीम। आह मिस जेदा, लगता है आप मिस्टर जॉन से मिलने आई है। यस, चलिए मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ, आइए। हेलो, वेलकम, प्लीज आ जाओ। जॉन, हेलो, कैसे हो? सनीम, सनीम, क्या हुआ, तुमने उसको बताया क्या कि तुम दोनों साथ में हो?
नहीं जे जे, मैं चाहती थी बताना लेकिन मैं नहीं बता पाई। वो बिजनेस के आड़ आकर हमेशा मिस्टर जान के करीब आना चाहती है, उनके आसपास ही घूमती रहती है, हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। वैसे कंपनी के लिए ये अच्छी बात है, हमें इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो मुझे ज्यादा बिजी मत करो, मुझे यहाँ से उन पर नजर रखनी है। समझ गया मिस्टर जान, हैव अ नाइस मीटिंग। जान, आपके एम्प्लॉय भी आपकी तरह ही कलरफुल हैं, कई एक साथ काम करने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। मुझे यकीन है कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो एकदम करेक्ट है। थैंक यू मिस्टर मैकिनन, आप जैसा इंसान ही इतने अच्छे से इनको समझा सकता है। मुझे भी पूरा यकीन है कि आपको हमारे साथ काम करके बहुत खुशी होगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। एक्चुअली जान, मुझे थोड़े से डाउट्स हैं। जिस कंपनी में मैं अभी कंसल्टेंट हूँ वो है रेडमोड कॉस्मेटिक्स। आपको ये पता ही होगा कि मार्केट में उनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। क्या आपकी कंपनी ने इससे पहले किसी बड़ी कंपनी के लिए कैंपेन किया है? हाँ, आई अंडरस्टैंड। सच है कि हमने ऐसा काम नहीं किया है, ये हमारे लिए नया है, पर हम तैयार हैं। ये अच्छी बात है। ये जो आपकी आंखों में चमक दिख रही है ना, ये एम्बिशन, वो देखने के बाद तो अब मेरे मन में कोई डाउट्स नहीं है। मैंने आपसे कहा ही था। आपने अभी जो कंपास स्पोर्ट्स के लिए कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, और ये एक अच्छा रेफरेंस रहेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इट वॉज सो नाइस टू वर्क विद यू जॉन। मैं यकीन नहीं कर सकती हूँ कि आप भी ऐसा फील करेंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो चलो सिचुएशन पर डिस्कशन करते हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं। आपके असिस्टेंट ने जो कंडीशन रखी है वो यहाँ है, पर मेरे पास कुछ नए सजेशंस हैं। आई एम श्योर वो हमारी डील के लिए काफी फायदेमंद होगा। मैं अभी बताता हूँ। उस्मान, बाहर निकलकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। माय प्लेजर। अब घर ही जाओगी ना? मैं शॉप पर रुकूंगी। अच्छा ठीक है, मैं अपनी शॉप पे हूँ, अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? ऑल राइट, सी यू, हैव अ नाइस डे। हाँ बोलो लैला, क्या कर रही हो? हाँ मुझे लग रहा है मैं किसी सपने में हूँ, बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह। हाँ वैसे छोटी मोटी मुश्किलें हैं लेकिन हम इसे सॉल्व कर देंगे। तुम्हें पता है आज ना बहुत सारी बातें हुई, मिस्टर जान मुझे हाथ में हाथ डालकर यहाँ ले आए और सबके सामने कह दिया कि हम सीरियस रिलेशनशिप में हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा ये बताओ, मिस्टर एम्ब्रे ने कुछ पूछा मेरे बारे में? मुझसे तो नहीं पूछा लेकिन पुलिस से पूछा, उसने कहा कि तुम बीमार हो, इसीलिए मुझे कॉल किया था। उसने कॉल किया था तो तुमने क्या कहा? मैंने जवाब नहीं दिया। क्या उसने तुमसे कुछ भी नहीं पूछा? मैंने कहा ना नहीं, लेकिन अगर पूछेगा ना तो उसका जवाब उसे मिल जाएगा जैसा वो डिजर्व करता है। ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब देना उसको, वो यही डिजर्व करता है। ठीक है अब मैं रखती हूँ, बाय। सनम जरा यहाँ होगी एक सेकंड के लिए? ओके आती हूँ। बोलिए मिस्टर एम्ब्रे। सना मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना आज लैला नहीं आई। हाँ नहीं आई। पता चला कि वो बीमार है, क्या हुआ उसे? क्या आपको वाकई फिक्र है उसकी? ऑफ कोर्स मुझे हो रही है, मैंने कॉल किया पर जवाब नहीं दिया उसने। आपको क्या फर्क पड़ता है? सनम रिलेशनशिप को जरा साइड में रखिए। मेरी सिस्टर ने हमेशा आपकी कंपनी के लिए एक डिवोटेड एम्प्लॉय की तरह काम किया है, और क्या आपने उसकी कभी वैल्यू की है तो आपको कोई हक नहीं है उसकी फिक्र करने का। जान मैं आज के डिनर के लिए रिजर्वेशन करवा रही हूँ। ओके। एक ऐसा रेस्टोरेंट अरेंज करवा रही हूँ जो आपको पसंद आएगा। सुपर सुपर। सी यू टुनाइट देन। सी यू सर। गुड बाय जान। गाइस मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या आप जानते हैं कि वो जेंटलमैन कौन है? वो है मिस्टर मैकिनन, फेमस अमेरिकन कॉस्मेटिक कंपनी रेड मॉड के कंसल्टेंट। वो अब टर्किश मार्केट में आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमसे अपना कैंपेन बनवाने की बात की है, और मुझे मेरी टीम पर पूरा भरोसा है। ये उन्होंने कुछ टेस्टर्स भेजे हैं जो हम ट्राई करेंगे, अपने कानों में स्प्रे करेंगे या अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स की तरह यूज करेंगे, और डरने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है, तो हम इसे इस्तेमाल करके इसका एक्सपीरियंस करेंगे और फिर हम
कैंपेन की शुरुआत करेंगे। ओके ठीक है गाइस, चलो सवा के सैंपल ले लो। क्या हुआ? हेलो व्हाट्सअप? गुड, वेरी गुड। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से सूट करते हो। मैं इस तरह से थैंक यू कहना चाहूंगी, और सनम ये खुशियाँ डिजर्व करती है। मुझे बाकी कुछ नहीं जानना, मैं जानना चाहता हूँ तुम कैसी हो। मैं बहुत अच्छी हूँ। जब मेरे फ्रेंड्स खुश हैं तो मैं भी बहुत खुशी हूँ। ओके और मैकनन और ये जो कैंपेन मिला है उसकी खुशी भी अच्छा है। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी एलिगेंट, और मैं क्या कह सकती हूँ। ओके तुम कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहती हो? करना हो तो कर लो, पर हमें तुम्हारी जरूरत है। नहीं, मैं अपने केबिन में जाती हूँ और सुबह से रात तक काम करती हूँ। यही मैं कर सकती हूँ, और मैं इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करूँगी खुद से। मेरे लिए तो सब कुछ खत्म हो गया है। अच्छा ये बताओ कि अमेरिका है, ये तुमने देखा क्या? मिस्टर जैन, मैंने उनको थोड़ी देर पहले ऑफिस से बाहर जाते हुए देखा। रियली? अब ये कहाँ चला गया होगा? पता नहीं, कुछ बताकर नहीं गए। ओ गॉड, मेरे मोहल्ले में ना चला जाए। सनम, क्या दो मिनट बात कर सकते हैं? हाँ, हम तीन मिनट बात कर सकते हैं। हम तो जिंदगी भर बात कर सकते हैं। उन दोनों का ब्रेकअप हो गया पता? एक्चुअली ये लाला की तरफ से नहीं, मिस्टर एमरे ने डिसाइड किया है कि दोनों अलग हो जाएंगे। उन्होंने मेरी बहन को ये तब बताया जब वो सपनों की उड़ानें भर रही थी, तब उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता खत्म। Really? मुझे इसके पीछे की वजह नहीं पता, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। वो उसके साथ कितना खुश नजर आ रहा था, पता नहीं क्या हुआ होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। एनीवेज, मैं तो यही कहूंगी कि ये फिर से नहीं शुरू होना चाहिए, मतलब उन दोनों का रिश्ता। मुझे नहीं पता, चलो जाने दो। हम शाम को कहीं जा सकते हैं क्या, अगर तुम फ्री हो तो? जीरो, हम कैंपेन की बात कर सकते हैं, अगर हम लकी रहे तो उनके प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर तुम फ्री हो तो हम साथ में चलते हैं, यू नो, कहीं सिर्फ तुम और मैं। मुझे लगता है जाना अच्छा होगा कि मैं वहाँ ना आऊँ, क्योंकि मुझे मेरी बहन की फिक्र हो रही है और मुझे मेरी मॉम के साथ एक बार और बात करनी है। हाँ सही है, मैं इज्जत नहीं करूँगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके तो ठीक है, मैं घर जाकर काम करता हूँ। चलो कम से कम मैं तुम्हें घर पर तो छोड़ देता हूँ, उतना टाइम तो मिलेगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तकलीफ नहीं देना चाहती, और ट्रैफिक भी बहुत होगा तो मैं मेट्रो से चली जाऊंगी। उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देता हूँ, ये चलेगा ना? या इससे भी प्रॉब्लम है? मैं हर बात के लिए ना नहीं कहूंगी, मुझे मंजूर है। ओके सुपर, मैं अपना जैकेट। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके ठीक है, सी यू, मिलते हैं, बाय। हाँ हाँ मिलते हैं, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। हेलो आयहान, बोलो। हेलो जी जी, क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ मेकअप का सामान चेक कर रहा हूँ। क्या कहा? मेकअप के साथ तुम क्या कर रहे हो? जी जी, हमारा एक कॉस्मेटिक्स कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हम लोग उनके लिए कैंपेन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसलिए उनके प्रोडक्ट्स देख रहा था। अच्छा तो ये बात है, मैं कहने वाली थी कि आज शाम को मिले क्या, अगर तुम चाहो तो हम दोनों प्रोडक्ट को एग्जामिन कर लेंगे साथ में। क्या है कि एक साथ रहेंगे भी और काम भी करेंगे। हाँ ये परफेक्ट रहेगा, तो ठीक है शाम को मेरे घर पर मिलते हैं। ठीक है ना, क्या कहती हो? ओके सी यू देन, अपना ख्याल रखना। ओके मुआ मुआ। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आज लैला नहीं आई? वो नहीं आई मिस्टर एमरे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
यस मिस्टर एमरे। हाय लैला, कैसी हो? कोई काम है? मैं अभी ऑफिस आया और मुझे पिछले मंथ की बैलेंस शीट नहीं मिल रही है। हमने उस पर साथ में काम किया था और उस पर काफी नोट्स भी बनाए थे। मुझे पूछना था कि तुम आज नहीं आ रही हो क्या? आई थिंक मैंने खुद को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। मैं वहाँ नहीं आऊंगी मिस्टर एमरे। लैला देखो, प्लीज तुम ऐसा मत करो। मैं कभी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता। मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है, प्लीज। बैलेंस शीट ब्लू फाइल में है और जो नोट्स दिए थे आपने उसे मैंने ईमेल कर दिया है आपके मेल में। अगर आप ध्यान से ईमेल देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है? बस आपने वो डिलीट ना किए हो। हेलो लैला, मिस्टर एमरे ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने मुझसे बहुत ही नॉनसेंस क्वेश्चन उसने कॉल किया था। क्या पूछा उसने? उन्होंने पूछा तो बहुत कुछ। उन्होंने कहा कि मुझे ऑफिस आना चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी। लैला तुम्हारी आवाज अजीब सी क्यों आ रही है? क्योंकि मैं कुकीज खा रही हूँ सनी। मैंने 10 खा ली है अभी तक। 10 कुकीज? लैला तुम तो महीने भर में भी इतने कुकीज नहीं खाती। सुनो, तुम यहाँ नहीं आ रही हो क्योंकि तुम्हें बुरा ना लगे, पर वहाँ घर पर बैठे बैठे चीजें बिगड़ रही है। उससे अच्छा तुम यहाँ आकर काम करना शुरू करो, शायद तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। अगर तुम कह रही हो तो मुझे नहीं पता। छोड़ो, मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। ठीक है, बाय। खा लो, बाय। वो सही कह रही है, मैं खुद को टॉर्चर कर रही हूँ। और जब मैं उनकी कॉल्स नहीं उठाती है, उनको टेक्स्ट बैक नहीं करती हूँ, तो उन्हें ये भी तो लग सकता है कि मैं उन्हें सीरियसली ले रही हूँ अब। नहीं मिस एमरे, आप मुझे कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर से नहीं भर सकते। ओके, मैं अब जॉब वापस जाऊंगी। लैला, घर में नमक खत्म हो गया है, जरा जाके दुकान से ले आओ। मॉम नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो गई हूँ। अरे ये क्या, जब भी तुम्हें कोई काम कहती हूँ तुम्हें अपने ऑफिस याद आ जाता है। ठीक है, बिना नमक के ही खा लो, मुझे क्या। अरे तुम उन्हें क्यों थैंक्स कह रही हो, कोई जरूरी नहीं।, नहीं जी जी, मैं अब वो खुद ही कर रही हूँ। वेल, बहुत अच्छे, क्या बात है। फाइल अब 75 क्वेश्चंस की बन गई है। मैंने इतना ही काम किया है। मैंने पहले कितना कहा था? आपने कहा था मैक्सिमम 25। अच्छा, कोई बात नहीं, उसे वैसा ही रहने दो, जाओ और कोई काम करो। थैंक यू। अपने एटीट्यूड पे फोकस करो, एटीट्यूड पे, समझी? मिस डेरन, हमसे प्रिंट में गलती हो गई और 3 प्रिंट बाकी हैं और टोनर भी खत्म हो गया। तुम उसके लिए परेशान हो? सिर्फ 300 टोनर्स के लिए? उसको इतना सीरियसली मत लो, वो तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर नहीं है। प्लीज हटो साइड। क्या बताना है? हाँ, इम्पोर्टेंट है। सुनिए मिस, अगर मैं अगले हफ्ते ऑफिस ना आऊँ तो? हाँ, कल। तुम रोज ऑफिस क्यों आते चलो हो? अपना काम करो। यहाँ पर आकर काम ही क्या करना होता है? ओ मिस तेरिन, यहाँ पर क्या चल रहा है, आप ठीक तो हैं ना? जिंदगी बस काम 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 है, पर किस लिए? जाओ और जाकर एंजॉय करो। मैंने कॉफी पीना छोड़ दिया है, उम्मीद है इस चाय से मुझे अच्छा लगेगा। गुलीज, तुमने क्या दिया है इन्हें? इनका दिमाग जैसे मेल्ट हो गया है। मैंने उन्हें मेलिसा टी दी है पीने के लिए, ताकि ये ऐसी हर पल रिलैक्स रहे। उन्होंने कुछ और लिया होगा, चाय से तो ऐसा सा नहीं होता है। बहुत अच्छे, चलो हटो। बहुत अच्छे, आज वो कितनी रिलैक्स्ड हैं और लोग भी उस मौके का फायदा उठाकर परमिशन ले रहे हैं। ओके, मिस देरिन, चलिए नए कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं, चलिए थोड़ा मेकअप शेकअप करते हैं, चलिए ना करते हैं? तुम कह रही हो तो ठीक है, चलो थोड़ा मेकअप कर लेते हैं। हाँ, कितनी हसीन जिंदगी है। बिल्कुल। क्या तुम्हें वो स्टोरी पता है, स्टोरी ऑफ क्राइंग क्लाउन? कितनी डिप्रेसिंग कहानी है। अरे बाप रे, आज मैं रिप्लेस होने वाला हूँ। हाँ बताइए। क्या मैं तुम्हें बताऊँ? हाँ चलते बताइए। ठीक है, सुनो। अब ये क्लाउन की कहानी। क्लाउन सबको हंसा रहा था। ओ, कितना अच्छा है ये। अच्छा? एक दिन वो रोने लगा। आ, आ, आ,
क्या कर रहे हो? टाइमिंग परफेक्ट है, तुम सही वक्त पर आई हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस प्रोजेक्ट से बहुत दूर हो गया हूँ। मैंने फिर से ये ट्राई किया, मुझे लगता है कि ये लिपस्टिक है, पर ये अजीब क्या है? आपने ये ट्राई किया? लिपस्टिक ऐसी नहीं होती, पर ये लिपस्टिक ही है। और ये क्या है, ये क्या है? मुझे ट्राई करना है, प्रोडक्ट पता होना चाहिए ना। वो मस्कारा है, आईलैशेस के लिए। मस्कारा? हाँ मैं जानता हूँ, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है इसके बारे में, पर डिटेल में जानना काफी बोरिंग है। और तुम्हें पता ही है कि मेरी आंखें ठीक नहीं है, ये आईलैशेस को डार्क करने के लिए होता ना। पर इसका इतना ही काम है या ये किसी और काम में भी आता है? नहीं नहीं, ये आईलैशेस को कर्ली बनाता है, और कोई कोई तो एक्स्ट्रा आईलैशेस भी लगा लेते हैं। अच्छा, ये छोटी सी चीज काफी कुछ काम करती है, हमें बहुत मेहनत करनी होगी, ये सब मेरे लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है ठीक है, अब उसे छोड़िए और आइए मेरे साथ। कहाँ? मैं आपको कहीं ले जाना चाहती हूँ। अच्छा, पहले क्या तुम मुझे हिप्नोटाइज करने वाली थी क्या? आइए ना मेरे साथ। बताओगी ना हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज। मैं आ रहा हूँ, आई होप ये अच्छा रहे।